हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरफेसेस। अब मुझे दो और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करनी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक और थी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसके लिए बेसिकली मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस को कॉन्सेप्ट सॉरी इंटरफेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंटरफेस को एक लेमन लैंग्वेज की फॉर्म में समझ लेते हैं कि इंटरफेस होता क्या। उसके बाद हम आगे समझेंगे कि इसकी जो है ना कोडिंग की या प्रोग्रामिंग की फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं। तो लेमन टर्म में इंटरफेस बेसिकली ये होता है कि जब मान लो अगर आप सुबह उठते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हो कि मुझे आज के दिन में ये काम करना है, जितने भी आपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं सबका एक आप टू डू लिस्ट कर लेते हो। ठीक है, लिख लेते हो और आप सारा दिन फिर उन कामों का एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो आप एग्जीक्यूशन बाद में कर रहे हो बट उसको लिख पहले ले रहे हो कि ये चीज़ें मैंने करनी है। तो ये होता है इंटरफेस। ठीक है, इसको आप अगर प्रोग्रामिंग की टर्म में समझो तो आप बेसिकली ये करते हो कि आप जितने भी किसी क्लास के अंदर आपने कोई फंक्शनैलिटीज लिखनी है, कितने भी मेथड्स या कोई एट्रीब्यूट फीचर्स कुछ डिफाइन करें जो कि मस्ट है, जबकि आपको पता है कि ये मुझे करने ही करने हैं, तो आप उसकी एक टू डू लिस्ट बना लेते हो स्टार्ट में ताकि आपको याद आता है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका बेसिकली ये है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं कि इंटरफेस इज एक्चुअली ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास का ये काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट है जिसमें क्या होता है कि मेथड्स विदाउट कोड होते हैं। आप कोड नहीं करते, आप एग्जीक्यूशन नहीं करते, आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, बट जस्ट मेथड्स को लिख लेते हो। ठीक है, मेथड्स विदाउट बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इनको बोला जाता है, जो कि विदाउट बॉडी होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कवर्ड जहाँ पे होते हैं इसका मतलब होता है कि सिर्फ आप नेम की बात करें, आप उसकी फंक्शनलिटी की बात नहीं करें। तो अगर मैं एक इंटरफेस को लिखती हूँ तो जैसे आप क्लास बनाते थे तो एक कीवर्ड होता था, वैसे ही आप इंटरफेस बनाते हो तो कीवर्ड होता है इंटरफेस का, उसके बाद आप अपने इंटरफेस का नेम लिखते हो। ठीक है, और दैट्स इट, ये आपका इंटरफेस बन गया। इसके अंदर आप जो भी अपने फंक्शंस करने हैं उनको लिख लेते हो। जैसे मैं एनिमल की क्लास है तो कुछ मैं दो तीन फंक्शन लिख लेती हूँ, जिसके अंदर मैं एक लिख लेती हूँ ईट। ठीक है, और एक आप लिख लेते हो वॉइड, क्या लिखते हैं, स्लीप। ठीक है, दैट्स इट। अब ये दोनों फंक्शंस ये हैं कि जब भी आप क्लास बनाओगे ना जहाँ पर आप इस इंटरफेस को कॉल करोगे, तो वह ये चीज़ आपको बता देगी कि आपने ये वाले फंक्शंस उसमें मस्ट करने, इनकी फंक्शनैलिटी वहाँ पर लिखनी है। ठीक है, सिर्फ आप नेम दे रहे हो, आप फंक्शनैलिटी वहाँ पर करोगे। ठीक है, तो ये होता है कि जैसे मैं आप एक क्लास बनाती हूँ ना, कोई भी डॉग की क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, अब इनहेरिटेंस करते तो आप एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते थे, इसमें आप इंप्लीमेंट का कीवर्ड यूज़ करते, क्योंकि आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो ना। इंप्लीमेंट व्हाट, जो भी आपका इंटरफेस का नाम है एनिमल, एंड हियर इट इज डन, मस्ट बी इंप्लीमेंटेड विद इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये एरर आया ना, रीज़न इसका क्या मैं बताती हूँ। ये एरर इसलिए आया है कि ये एरर आपको बता रहा है कि आपने जो भी अपने इंटरफेस के अंदर मेथड्स लिखे हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उनको इंप्लीमेंट करना ही करना है। ठीक है, आप इसके एरर के ऊपर आपको ये चीज़ भी बता रहा है कि द टाइप डॉग, जो आपने क्लास बनाई है डॉग की, इट मस्ट इंप्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्टेड मेथड, जो भी ईट है और स्लीप है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आपको यहाँ पर मस्ट इंप्लीमेंट करना ही करना है। ठीक है, जब आप इंप्लीमेंटेशन करोगे तो ये एरर हट जाएंगे। तो मैं इंप्लीमेंटेशन करती हूँ वॉइड ईट। ठीक है, ये हो गया, और एक और बनाते हैं वॉइड स्लीप। अब मैं बताती हूँ ये एरर्स क्यों आने गए। ये यहाँ पर एक चीज़ तो डॉग वाले के ऊपर से तो एरर हट गया, बट ईट और स्लीप के ऊपर एरर आ गया। द रीज़न इज़ के जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो हमेशा पब्लिक होते हैं। अगर आप पब्लिक का कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे तो ये उनको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक नहीं रखता। ठीक है, आपने पब्लिक का कीवर्ड यूज़ करना, देखो एरर्स हट गए। यहाँ पर मैं एक शाउट मार देती हूँ जिसमें मैं प्रिंट लाइन स्टेटमेंट लिख देती हूँ, कोई भी डॉग ईट्स and this is basically dog sleeps, हो गया काम done, that's it। आप इंटरफेस में आपने स्टार्ट में आप अपने, इससे ये होगा कि जब भी आप कोड को गो थ्रू करोगे या आप जब कोई क्लास बनाओगे, आपने कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो आपने हर क्लास में लिखने हैं, तो आप स्टार्ट भी इसको बता देते हो ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम कोड करें तो वो खुद आपको बता दे कि ये तुमने करना ही करना है। ठीक है, इससे आपका चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर अगर आप अपनी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, डॉग डी इज इक्वल्स टू न्यू, दैट्स इट, बन गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अब आप अगर कोई भी इसको कॉल कर रहे हो, ईट को कर रहे हो, फंक्शन को, अपने एट्रीब्यूट को, ईट आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट आफ्टर दिस टोकन, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन। आइडेंटिफायर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई ना कोई, एंड देन डी डॉट
स्लीप. ओहो यस 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 यस. तो ये यहाँ पर एरर्स इसलिए आ रहे हैं कि मैंने मेन फंक्शन बनाया ही नहीं. आपको सारा काम मेन के अंदर करना होता है ना, तो ये चीज़ मैं ज़रा कर लूँ पब्लिक वो स्टैटिक वॉइड मेन, और आपको ये अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह अपने मेन फंक्शन के अंदर बनाने होते हैं, इसलिए ये एरर्स आ रहे थे. दैट्स इट, एरर्स हट गए. एरर्स को रिमूव नहीं करूँगी, द रीज़न इसके समझ आ जाए. आपको अपने कोड को एनालाइज करना आना चाहिए कि कहाँ पे एरर आया, कैसा है. छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और एरर्स आ रहे थे और आप लोग डर जाते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर अगर आप रन करते हो तो ये देखो आउटपुट आ गई, डॉग ईट्स एंड डॉग स्लीप्स. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए. वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स बिगनर से एडवांस तक हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ कवर करने की कोशिश की है मैंने. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ के डू सब्सक्राइब काइंडली, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. इससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना नुकसान होगा, बट हमें ज़रूर मोटिवेशन मिल रही होती है. और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.